वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इसके अंदर सीजन वन के स्पॉयलर्स हैं। अगर किसी ने सीजन वन नहीं देख रखा है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना और जाके पहले सीजन वन देख लेना, फिर मुझे मत ब्लेम करना कि यार तूने सीजन वन के स्पॉयलर्स दे दिए, हमारा सारा इंटरेस्ट खराब कर दिया। और रही बात अब सेकंड सीजन भाई मैं इसके अंदर स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, क्योंकि यार मुझे किसी की गाली खाने का कोई शौक नहीं है। और अगर किसी ने सीजन वन देख रखा है तो जाके पहले जो रिव्यू कर रखा है उसको देख लें, ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ द अम्ब्रेला अकेडमी सीजन टू के बारे में, और इसी में सीजन वन की तरह इसके अंदर भी 10 एपिसोड हैं। अब इसकी कहानी की बात करते हैं। जैसे वान्या पूरी धरती को खत्म कर देती है, तो जैसे तैसे नंबर 5 इन सबको बचा के पास्ट में लेके चला जाता है, यानी 2019 से ले जाके उनको 1960 के अंदर फंसा देता है। अब वो कैसे लेके जाता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा तो होता नहीं, जिंदगी हमारे हिसाब से चलती नहीं, इसीलिए इसमें गड़बड़ होती है। और गड़बड़ क्या होती है कि वो हर एक को एक ही जगह तो लेके चला जाता है पास्ट में, लेकिन अलग अलग साल में। जैसे 1960 के अंदर चला जाता है क्लाउस, 1961 के अंदर चला जाता है डियागो, 1962 के अंदर चला जाता है लूथर, 1963 के अंदर एलिसन, 1964 के अंदर वान्या। अब देखो ये टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स है कि 1960 से 1964 के अंदर। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन किसके टाइम में चला जाता है, मतलब कि 1960 में कौन गया था क्या गया था, इसमें मुझे थोड़े बहुत डाउट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर 5 इन सबको ढूंढ लेता है और 1964 में ये सब एक साथ आ जाते हैं। पास्ट में जाने के पीछे मकसद ये होता है कि नंबर 5 जैसे तैसे इस कयामत को फिर से बदलने के उसके पास मौका मिल सके, लेकिन अब कयामत उनके पीछे पीछे आ चुकी है और न्यूक्लियर बम से अब फिर से कयामत आने वाली है। अब कौन न्यूक्लियर बम गिराएगा, किस वजह से गिरेगा, अब इसके लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे खासकर ज्यादा पसंद आई हैं, जैसे कि इसके अंदर परफॉर्मेंस की बात करूं, इसके अंदर परफॉर्मेंस दी है नंबर 5 की, जो जिस बच्चे ने परफॉर्मेंस दी है जिसका नाम है एडन गैलगर। देखो यार मुझे नहीं पता ये नाम, ये प्रोनंसिएशन सही है नहीं है, बाकी यहाँ पे आ रहा होगा आप देख लेना। इस इंसान ने, इस लड़के ने जो परफॉर्मेंस दी है एक 58 ईयर के एक बूढ़े इंसान की, अपने अंदर मतलब एक 58 साल का आदमी जैसे बच्चा बन जाता है उसकी, बट उसका माइंडसेट वैसा ही रहता है, इस लड़के ने वैसी दमदार परफॉर्मेंस दी। और जब भी ये स्क्रीन पे आता है पूरे ऑडियंस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्टिंग, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही रहते हैं। नंबर 2, इसमें वियर्ड फैमिली जो दिखाई गई है उसका और ज्यादा पागलपन बढ़ गया, जिससे कॉमेडी का तड़का और ज्यादा लगने वाला है। और तीसरी बात, इसमें पावर्स को अच्छे तरीके से दिखाया गया। जैसे मेरी सीजन 1 के अंदर जो शिकायत थी कि भाई इसमें पावर्स को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया गया है, हमें समझाया नहीं गया कि इसके पास क्या पावर है, लेकिन इसके अंदर हाँ हम ये कह सकते हैं कि पावर का अच्छा खासा यूज दिखाया गया, लेकिन एक बंदे को छोड़कर, लूथर, जो अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहते हैं, बट यार जिसने सीजन 1 में अपनी पावर नहीं दिखाई, जिसने सीजन 2 में भी उसने कोई पावर नहीं दिखाई, घंटा पावर उसके पास। डियागो जो पास्ट में आके एक पागलखाने में भर्ती हो चुका है, यानी उसे पकड़ कर जबरदस्ती पागलखाने में डाल दिया, क्योंकि उसकी ऐसी हरकतें ही होती हैं, खैर ये इंसान वहां रहने के लायक था। लूथर जो एक फाइटिंग करने लग गया है, किसी का बॉडीगार्ड बन गया, फाइटिंग करके वो पैसे कमा रहा है। एलिसन जिसने पास्ट में जाके किसी आदमी से शादी कर ली है और वो जब इस लूथर से मिलती है, लूथर इससे बहुत प्यार करता है और ये भी एलिसन है वो लूथर से बहुत प्यार करती है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब लूथर इससे मिलता है तो ये कहती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत थी इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। वाह क्या बात है, मतलब लड़का ऐसी हरकत करे तो वो बहुत ज्यादा गलत, लेकिन लड़की ऐसा करे तो उसे सहारे की जरूरत थी, अपना विक्टिम कार्ड खेलने शुरू कर देती। ना 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 ना, ऐसी चीटिंग नहीं चलेगा, देखो खेलना है तो फेयर खेलो, ऐसी चीटिंग नहीं चलेगी। और वान्या जिसकी याददाश्त जा चुकी है, जिसके सीजन 1 में जिसके कारण पूरी धरती तबाह हुई थी, अब उसकी याददाश्त जाकर किसी फार्म में रह रही है, अब वो वहां पे लेस्बियन बन चुकी है। साला चल क्या रहा है यार, वो पहले कुछ और थी अब कुछ और होगी, ये इतना झंझट क्यों यार। और क्लाउस सबसे ज्यादा, जो मेरे सीजन 1 में सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, लेकिन अब भी है, बट इसमें नंबर 5 कहूंगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस दमदार थी, लेकिन अब जो नंबर 2 पे आ चुका है, यानी क्लाउस जो अब बाबा बन चुका है और बाबा बन के सबका काट रहा है। देखो काटने यानी काट वर्ड से पहले अपनी मर्जी से कोई वर्ड लगा लेना जो आपको सूट करे। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अब क्लियर हुई हैं अच्छे से, जो आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगी, जैसे कमीशन जो एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम लाइन को मैनेज करती है, टाइम में कोई पास्ट में कोई गड़बड़ ना करे, वो कैसे मैनेज करती है इसमें अच्छे से दिखाया गया है। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि इसके अंदर 10 एपिसोड है और हर एपिसोड करीबन 50 मिनट तक का है, और ये एक्सेप्ट मत करना कि मैं पूरी की पूरी कहानी इसके अंदर बता दूंगा, लेकिन यार मैं इतना ही बता सकता हूँ 3 से 5 मिनट की वीडियो में, बस जितना हो सकता है ब्रीफ उतना ही दे सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा लेंथी मुझे वीडियो बनानी नहीं, मुझे किसी का इंटरेस्ट खराब करना नहीं, ज्यादा लेंथी बनाने का मतलब है इसके अंदर स्पॉयलर्स लेके आना वो मैं कतई नहीं करने वाला। एक अजीबोगरीब फैमिली जिसको देखकर आपको हंसी तो जरूर आने ही वाली है, जो दुनिया बचाने से ज्यादा उससे ज्यादा परेशान तो अपने फैमिली झगड़ों से निपटने में है, यानी इवन वो उनको ये फिक्र नहीं है कि दुनिया कब तबाह होने वाली है, अरे वो खुद अपने रिलेशन यानी भाई बहन में जो लड़ाई हो रही है उसी को सुलझाने में वो बहुत ज्यादा माथापच्ची कर रहे हैं। फिर इन सबको देखकर लगता है कि यार इनके पास सुपर पावर क्या कर रही है। खैर जो भी हो, इस सीजन के अंदर फर्स्ट सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कॉमेडी है और बहुत ज्यादा एक्शन है, और आपको ये सीजन देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय होने वाले हो।
और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि इसका थर्ड सीजन भी आएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट सेकंड सीजन जिस मोड पे खत्म हुआ है तो लगता है कि इसका सेकंड थर्ड सीजन तो आना बनता ही है। मेरी तरफ से इस सीजन को मैं देना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 सर। अगर किसी ने ये सीरीज नहीं देखी है तो जाकर देखो, एक अच्छी सीरीज है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको फर्स्ट सीजन देखना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या सारा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड सीजन तभी तो समझ में आएगा। मैंने कहा कि थोड़ी बहुत कॉमेडी कम है सीजन वन में, लेकिन उससे काम चला लोगे। खैर, जिसने देख रखी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना कि आप लोगों को कैसी लगी, और नहीं देखी तो जाकर देखो यार, किसका वेट कर रहे हो। बस इतना ही था आज के लिए इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।